कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिसे जाना है वो कांग्रेस से जा सकता है। सचिन पायलट की बगावत पर राहुल का पहला रिएक्शन, राहुल ने बड़ा बयान दिया है और बैठक की थी एनएसयूआई के नेताओं के साथ और उसमें सख्त रुख दिखा रहे थे। सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जिसे छोड़कर जाना है कांग्रेस को वो जाए, जाने वाले लोग युवा पीढ़ी के लिए रास्ते खाली कर रहे हैं, यानी युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी। सचिन पायलट की बगावत पर राहुल का ये बयान, एनएसयूआई के नेताओं के साथ बैठक में राहुल ने ये सख्त बयान दिया है। तरुण कालरा हमारे विशेष सहयोगी हमारे साथ। तरुण, इससे पहले रणदीप सुरजेवाला तो अपील कर रहे थे कि अगर आप वापस आना चाहते हैं तो दरवाजे खुले हैं कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तो ये कह रहे हैं कि जिसे जाना है वो जाए, युवा पीढ़ी के रास्ते खुलेंगे, दरवाजे खुलेंगे आगे बढ़ने के। देखिए, समझना होगा कि कांग्रेस की अंदरूनी बैठक थी जिसके अंदर पदाधिकारी एनएसयूआई के मौजूद थे। इस बैठक के अंदर राहुल गांधी ने अगर कुछ वक्तव्य दिया है और इसके अंदर सचिन पायलट का नाम नहीं आया है, ये वक्तव्य पार्टी की तरफ से क्लेम किया जाना कि ऐसा बयान आया है, तो एक ऐसे आप आला कमान का रोज भी कह सकते हैं कि बार बार मान मनोबल के ऊपर सचिन पायलट जो जिद थामे बैठे हैं उस पर राहुल गांधी ने टिप्पणी की है। रणदीप सुरजेवाला भी इसे जाहिर कर चुके हैं कि सचिन पायलट को मनाने के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जुटा हुआ था। उसके बावजूद, आग्रह करने के बावजूद सीएलपी की बैठक के अंदर सचिन पायलट शामिल नहीं हुए, तो ये आप देख सकते हैं कि आलाकमान की खींच ही है। जो नेताओं ने जब सवाल किया कि एनएसयूआई में काम करने का भविष्य क्या है कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो राहुल गांधी भी भाग गए कि ये सवाल उनसे मौजूदा परिप्रेक्ष्य में ही पूछा जा रहा है, इसलिए उन्होंने भी बिना सचिन पायलट का नाम लिए ये जवाब दिया ताकि सभी युवा नेताओं को विश्वास में लिया जा सके कि सचिन पायलट, उनका नाम तो नहीं लिया लेकिन ये कहा कि जिसे भी जाना है जाए, अगर वो जाएगा तभी तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का निशाना सचिन पायलट की इस जिद्दीपन पर था, इस सोच पर था कि युवा नेताओं को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और सचिन पायलट का जो एग्जाम्पल मीडिया में बुना जा रहा है या फिर बीजेपी उसको आरोपों के घेरे में ले रही है कि सचिन पायलट ऊर्जावान नेता है, पार्टी को उन्होंने जीत दिलाई, पार्टी के अंदर युवा संचार के खिलाफ है कांग्रेस पार्टी और बुजुर्गों को समर्थन देती है पार्टी, तो ये उस पर कटाक्ष था जो राहुल गांधी के बयान के तौर पर सामने आया है, जो संभवतः कांग्रेस पार्टी की भी लाइन है। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी मना जरूर रही है लेकिन दूसरी तरफ पूजा आपको ये भी देखना होगा कि नोटिस जारी कर 19 विधायकों को कारण बताने के लिए कहा गया है कि दो दिनों के अंदर आप बताएं कि आप सीएलपी की बैठक में शामिल क्यों नहीं हुए, और ये नोटिस देना भी एक कड़ी कार्रवाई भी है। तो कांग्रेस पार्टी खींच भी दे रही है, कांग्रेस पार्टी थोड़ी ढील भी दे रही है ताकि सचिन पायलट को यथास्थिति बताई जा सके, आईना बताया जा सके कि ऐसा कोई पद बड़ा नहीं है जो बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के अंदर इतनी जल्दी किसी को मिला हो। सचिन पायलट को वो मिला, कम से कम उसका तो लिहाज रखें। बिल्कुल, लेकिन ये भी एक साइकोलॉजी है तरुण, चूंकि पिछले चार महीने पहले जो घटनाक्रम हुआ, मध्य प्रदेश में सिंधिया छोड़कर चले गए, उसके बाद हमने देखा गुजरात में अल्पेश ठाकुर भी तेज तर्रार युवा नेता, वो भी चले गए छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। हेमंत बिस्वा भी आरोप लगा रहे थे कि संवाद नहीं होता, आलाकमान मिलता नहीं है, जुड़ता नहीं है और बातचीत नहीं होती। तो जिस तरह से घटनाक्रम हो रहे हैं और अब सचिन पायलट का जिस तरह से ये पूरा प्रकरण सामने आया, जो युवा कार्यकर्ता है, जो युवा नेता जुड़ते हैं कांग्रेस के साथ, जाहिर सी बात है उनको भी वो भी सोचने लगते होंगे कि उनका भविष्य क्या है, और शायद यही वजह है कि इस बैठक में जो वर्चुअली बैठक हुई है उसमें कई जो नेता हैं, युवा नेता हैं, उन्होंने ये शंका, ये विचार राहुल गांधी के सामने रखा होगा। देखिए, विपक्ष में पार्टी है और पार्टी किस हालातों से गुजर रही है, वो सत्तारूढ़ दल से बेहतर और कौन जान सकता है। कई सियासी गलियारों में तो ये भी चर्चा है कि बीजेपी अपने कारण मजबूत तो है ही लेकिन कांग्रेस पार्टी की कमजोरी के कारण ज्यादा मजबूत है। 19 के इलेक्शन के अंदर भी तो यही लाइन दी गई थी ना कि विकल्प क्या है देश के पास, क्योंकि इतना कद्दावर नेता मोदी के लायक राहुल गांधी को नहीं समझा गया और परिणामों के अंदर भी वो सामने आया। तो जो कांग्रेस पार्टी की अंतर कलह है वो तो कांग्रेस पार्टी को खुद ही सुलझानी है। इन भी नेताओं का आपने नाम लिया, पैरिस से लंबी है, लिहाजा कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन कर आलाकमान के प्रति सम्मान तो बनाना ही होगा। राहुल गांधी बेशक बने लेकिन वो बने और उसकी जिम्मेदारी भी लें, लेकिन घटनाक्रम जो हमें लोकसभा चुनाव के ठीक बाद देखा उससे पार्टी लगातार अपना जनाधार खिसकाती ही जा रही है। पार्टी को अंदरूनी अपनी कलह से उबर कर जब तक वो सामने नहीं आएगी तो लोगों का भी भला नहीं हो पाएगा, क्योंकि विपक्ष की भूमिका
भी कमजोर होती जा रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। शुक्रिया आपका तरुण इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो वर्चुअल बैठक एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी कर रहे थे और उसी में जब कोई सवाल या कोई प्रश्न सामने रखा गया कि भविष्य क्या है हमारे जैसे युवा कार्यकर्ताओं का नेताओं का, तो राहुल गांधी ने कहा कि जो छोड़कर जाना चाहते हैं उनसे घबराने की जरूरत नहीं, वो छोड़कर जाएं, लेकिन युवा पीढ़ी के लिए रास्ते खुले हुए हैं और वो आगे कांग्रेस में पढ़ेंगे।